नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे दो दोस्त, एक अरुण जय और धीरज, ये कह रहे हैं कि ये जो बुक है भगवद गीता, ये बुक उनका बिलोंग करता है। धीरज बोल रहा है कि ये बुक उससे बिलोंग करता है और अरुण जय बोल रहा है ये बुक उसका है। तो अब डिपेंड कर रहा है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इसी सवाल के साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, आखिर ये होता क्या है। तो आज ये बुक है, ये बुक को क्या मान सकते, एक प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या विकल्प है, क्या अल्टरनेट है कि मैं उन्हें क्या क्या राय दे सकता हूँ इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्यों आया, हम इसी सवाल से, इसी प्रॉब्लम से समझेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के आने का कारण क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला कारण ये था कि देखिए, हमारे जो देश की जनसंख्या है वो 133 करोड़ है, आपको पता होगा, देश में दूसरे नंबर पर आते हैं और हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। तो अब आप ये मान लो कि अगर उसमें आधे लोग भी, 50% पीपल भी अगर जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई केसेस होते हैं, तो लोग कहाँ पे अप्रोच करते हैं, कोर्ट में जाते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। तो अगर आप सोचो कि अगर ऐसे लोग जाने लगे, ठीक है, कोर्ट में सब कोई जाने लगे, तो क्या होगा, कोर्ट जो होगा वो बर्डन हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा, और उस पर लॉट्स ऑफ पेंडिंग केसेज रहेंगे, और जिस पे कि डिसीजन नहीं आ पाएगा, कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि समय ही नहीं रहेगी उसके पास डिसाइड करने के लिए। तो उस बर्डन को कम करने के लिए ये जो ADR का सिस्टम है, मैकेनिज़्म, वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडिया में। जी, जैसे कि अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लो, आज जो बहुत ही विवादित केस चल रहा था अयोध्या राम मंदिर, उस पर भी कोशिश किया गया था कि उसमें क्या जाए, लोग ADR मैकेनिज़्म में जाए, आर्बिट्रेशन करे, चाहे मीडिएट करे उसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाया दोनों पक्षों की तरफ से। तो इसीलिए अब वो फैसला कोर्ट में गया और आज उसका डिसीजन भी आ गया, जिससे कि अब हम जानते हैं कि अब क्या है, अयोध्या राम मंदिर जो है वो राम जन्मभूमि, राम मंदिर के लिए, राम मंदिर उस पर बनाया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, तो ये अल्टीमेट डिसीजन आया। तो ये बेसिकली जब ADR फेल हो जाता है, तब हम कोर्ट में प्रोसीड करते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। तो अब ADR का क्या मतलब है, हम इसको वन बाय वन ब्रेक करके समझते हैं। देखिए, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, मेरे पास और क्या विकल्प है अदर देन प्रोसीडिंग टू द कोर्ट एंड एडजुडिकेटिंग द मैटर इन द कोर्ट, मेरे पास और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिव वैकल्पिक। दूसरा क्या है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद, जिस पे मैटर विवाद है। जैसे कि इस बुक के केस में अगर हम देखें, तो दोनों दोस्तों के बीच क्या लड़ाई हो रहा है, वो कह रहा है कि ये किताब मेरा है, वो कह रहा है कि ये किताब मेरा है, दोनों के बीच कोई समाधान नहीं निकल रहा है, कोई सहमति नहीं बन रहा है, तो ये इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिस्प्यूट, विवाद कहते हैं। तीसरा क्या है, समाधान, दैट इज़ रेजोल्यूशन। समाधान निकालना मतलब एक रास्ता निकालना, क्योंकि दोनों के बीच विवाद चल रहा है और कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो एक समाधान निकालना, तो दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव वैकल्पिक, विवाद, समाधान। अब हम इसके वन बाय वन फीचर्स को समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि आखिर ADR क्यों लाया गया। देखिए, सबसे पहली बात, जो कोर्ट कचहरी के सिस्टम होते हैं, जो कोर्ट कचहरी का जो प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। आपने देखा भी होगा, आम तौर पे लोग कोर्ट जाने से बचते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड द मैटर्स इन द कोर्ट। ठीक है, और वो कोशिश यही करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो यही सोचा गया हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लाए कि ओवर बर्डनिंग ना होने दें केसेस का कोर्ट में, और जो लोग डिसाइड करना चाहते हैं मैटर को आउटसाइड द कोर्ट, वो आउटसाइड सेटल कर ले। ठीक है, सेटलमेंट उनका हो जाए। तो पहली चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ ये है कि एक तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि भाई जब आप देखते हो कोर्ट में बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होते हैं। दूसरा है कि चीप है और इकोनॉमिकल है। अब ये चीप कैसे है, देखिए, जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो आपको एक कोर्ट फीस देना पड़ता है जब भी केस फाइल करते हो। ठीक है, और वो डिपेंड करता है मैटर ऑफ द केसेस पे। तो अगर कोर्ट केस बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा कोर्ट फीस सबमिट करना होगा। दूसरा, एडवोकेट्स को हायर करो, उन्हें पेमेंट करो, तारीख
लेने के लिए और भी बहुत सारे मैटर्स के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, तो दैट इज़ नॉट चीप, एक्सपेंसिव होता है वो, और आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होता है इससे फाइनेंशियली। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या करता है, इसका एक समाधान निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इतने सारे प्रोसीजर्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ इतना सारा फीस और फाइनेंशियल पैसा नहीं चाहिए डिसाइड करने के लिए। तीसरा क्या है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, दोनों पार्टीज़ आउटसाइड द कोर्ट जाते हैं और मैटर का सेटलमेंट करते हैं, तो ये फ्यूचर लिटिगेशंस को अवॉइड करता है। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, देखिए दो पार्टीज कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगी, एक जजमेंट देगी किसी भी एक पार्टी के फेवर में, यानी कि दूसरे पार्टी का क्या होगा, दूसरे पार्टी के फेवर में नहीं होगा वो जजमेंट, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे हित में ये जजमेंट नहीं आए तो मैं अपील करूँ हायर कोर्ट में, तो इससे क्या होगा, वो फ्यूचर लिटिगेशंस फाइल करेगा, ठीक है, अपील करते हुए और केसेस फाइल करेगा, ठीक है। लेकिन ADR में क्या होता है, दोनों आदमी बैठते हैं, दोनों पार्टीज बैठते हैं जिनका डिस्प्यूट है, और वो उस चीज़ पे सेटलमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, मुद्दा है, दोनों सहमति से, आपस की सहमति से एक डिसीजन लेते हैं, तो ये एक चीज़ है ADR का, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर लिटिगेशंस अवॉइड होता है, साथ ही साथ चीप भी है, इकोनॉमिकल भी है, और अगर हम इसको सही तौर पे समझें तो ये एक ऐसा हमें विकल्प देता है ना, क्योंकि इसमें चार टाइप के मैकेनिज्म्स हैं ADR के, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ठीक है। तो ये एक ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि एक ऐसा विकल्प देते हैं जो कि हम कोर्ट के बर्डनिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर से बच पाएँ, उसके प्रोसीजर से बच पाएँ और बाहर सेटल कर पाएँ, ठीक है, मैटर्स को। तो ये ADR का बेसिक मतलब था, और हम आगे पढ़ेंगे कि उसके क्या मैकेनिज्म्स हैं। धन्यवाद दोस्तों।